दोस्तों, यदि अगर आप बंदूक का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस तरीके का एक फॉर्म आपको मिलेगा। इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, उसको आपको फिल करना होता है। बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। इसके अलावा आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, जो कि फॉर्म A1 के नाम से आपको अवेलेबल मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका लिंक में मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो मेन चीज़ क्या है, बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर ये होती हैं कि भाई आपको नाम पते आपके मेंशन करने होते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस के साथ। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें, इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप पे कोई क्रिमिनल केस पूर्व में दर्ज तो नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, ये चीज़। इसके अलावा अगर 107 और 116 की CRPC की कार्रवाई तो नहीं की पुलिस ने आप पे कभी, आपको कभी बाउंड तो नहीं किया, अगर बाउंड किया तो उसके बाद क्या उसका रिजल्ट निकला वो भी आपको बताना होगा। अगर हुआ है आपके साथ तो मेंशन करनी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर पूर्व में आपने कोई आवेदन किया था बंदूक के लाइसेंस का, तो उसका क्या रहा, आपके फैमिली मेंबर्स ने किसी ने आप बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर रखा है क्या, ये भी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा आपके पास पर्टिकुलर प्लेस है बंदूक रखने के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार ने ये जारी कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको लाइसेंस दिया जाएगा, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जारी हो सकता है, किसी किसी स्टेट्स के अंदर, ये सभी स्टेट्स में जारी नहीं है, कि भाई केंद्र सरकार ने अगर ये जारी कर रखा हो कि भाई ये उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने प्रशिक्षण लेकर के वहाँ से उत्तीर्ण सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, मतलब आपने प्रैक्टिस कर कहीं से प्रैक्टिस करके उसका सर्टिफिकेट लिया हो कि भाई मैं आप चला सकते हो, आप सक्षम हो रिवॉल्वर का यूज़ करने के लिए, शॉर्ट गन का यूज़ करने के लिए, हैंड गन का यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, अब ये फॉर्म की कंडीशन तब है जब स्टेट के अंदर ये चीज़ मांगी गई हो आपके स्टेट में जहाँ पे आप निवास करते हैं। ठीक, इसके अलावा रीज़न सबसे मेन चीज़ आती है, रीज़न पे आकर के गाड़ी रुक जाती है। रीज़न इफेक्टिव तो है कि लाइफ सेफ्टी के लिए, अब लेकिन आपकी लाइफ को ख़तरा है ये कैसे आप साबित करेंगे। तो दोस्तों, एक तो आपका डिस्प्यूट हो सकता है किसी से, तो उसके माध्यम से आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं कि भाई मेरे पे किसी ने कोई मेरे को धमकी दे रखी है, या मेरा किसी से विवाद चल रहा है, कोई केस पेंडिंग है उस पर, ये वो बंदे ने मेरे पे जो केस कर रखा, मैंने मेरे को जो धमकी दी थी उसका मैंने केस किया हुआ है, उससे डिटेल अगर आपके पास कुछ है उसकी डिटेल, कुछ भी एनी डिटेल, तो वो आप दे सकते हैं, उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रॉपर्टी है अच्छी खासी और आपको खेतों पर जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके पास ज़मीन है और वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जानवरों का खतरा रहता है ज़्यादातर, क्योंकि जंगल के अंदर होती हैं ये सारी चीज़ें, ज़मीन जो है जंगल में होगी जाहिर सी बात है, तो वहाँ जाएंगे तो सेफ्टी के तौर पे गन तो होना चाहिए, जानवर भी आ सकते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसके माध्यम से आप गन ले सकते हैं, और आपको गन में दिलवा के रहूँगा अगर आपके पास ज़मीन है तो, ये मान के चलना कोई वकील दिलवा देगा, रीज़न यही आएगा जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, बस एक चीज़ बच जाती है कि भाई हमें गन कौन सी चाहिए, आपको राइफल चाहिए, शॉर्ट गन चाहिए, या हैंड गन चाहिए, कौन सी गन चाहिए, वो आपका ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई आपको इस गन को आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, भाई डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, या पूरे भारत में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि आपको पूरे भारत की परमिशन मिल जाए, तो आपके ज़िले के अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक फॉर्म जो मैंने आपको बताया उसको फिल करने के बाद इसमें ये बेसिक सी चीज़ें ही मिलने वाली हैं आपको जो मैंने बताई है, इसको अपन अप्लाई करेंगे। SDM के पास अगर चार्ज है लाइसेंस देने का तो SDM कोर्ट के अंदर, DM के पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है तो वहाँ उसके ऑफिस के अंदर, SP के पास है तो उसके ऑफिस के अंदर, कहीं पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे के अंदर कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट ही एस्टेब्लिश कर रखा है इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो उस जगह पे जाकर के, उस प्लेस पे जाकर के फॉर्म लेंगे आप, जो कि आपको 4 से 5 रुपये या फिर फ्री में भी मिल सकता है। तो उस फॉर्म को लेने के बाद आप उसको फिल करेंगे, जो मैंने बताया बेसिक रिक्वायरमेंट वही आएंगी उसके अंदर। इसके बाद आपको शपथ पत्र भी मांग सकते हैं वो, कि भाई मैंने कभी पूर्व के अंदर किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं किया है, वो भी आप दे दें। अब ये फॉर्म भरने के बाद आप अपने वहाँ पे कोर्ट पेश करेंगे ना, पर्टिकुलर कार्यालय के अंदर, या DM के पास, या SDM के पास, या SP ऑफिस के अंदर, कहीं भी, तो इसमें अपना कोई डॉक्यूमेंट भी लगाने कि भाई अब मेरा ही नेशनल आईडी प्रूफ के तौर पे आपको आधार कार्ड लगा देना है, आपको लगा देना है आपका इनकम टैक्स, अगर ITR भरते हैं तो वो भी लगाना पड़ेगी आपको। इसके अलावा आपको लगाना पड़ेगा आपका पैन कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं सब लगा दें आप, कहीं भी अपन के पास एरर नहीं आना चाहिए रिजेक्शन का। इसके बाद क्या होगा कि वो जाएगा फॉर्म अपने SP ऑफिस के अंदर ही जाएगा, वहाँ से वो संबंधित आपका थाना जो लगता है, लोकल थाना जो आपका, वहाँ पर जाएंगे वो,
आपकी डिटेल के लिए इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके एसपी ऑफिस के माध्यम से मांगते हैं वो डिटेल कि भाई ये जो बंदा है मोहम्मद सलीम, इसने अप्लाई किया है हथियार के लिए, बंदूक के लाइसेंस के लिए, तो इसका रिकॉर्ड निकाला जाए। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है, रिकॉर्ड तो वहीं निकल जाता अगर मेरे पे कोई केस है तो, लोकल थाने के अंदर ही अपडेट होती है ना सारी चीज़ें, अगर मेरे पे कोई केस है तो वो मेरे लोकल थाने में बोलता है। इस वजह से वहाँ पर आपको ब्यूरो मांगते हैं वहाँ से कि भाई इस पे कोई केस वेस तो नहीं है, कोई सी कभी भी कोई कार्रवाई की हो सलीम के ऊपर, तो वो निकाल के दो। फिर वहाँ से वो अपन को ब्यूरा निकाल करके एसपी ऑफिस भिजवा देते हैं वो, पहली सिचुएशन। तो एक तो ये रिकॉर्ड आता है आपका, दूसरा आता है आपका जो तहसील है, आपको बंदूक चाहिए तो तहसीलदार आपको ये बताएगा कि हाँ भाई इस बंदे की प्रॉपर्टी है, यहाँ यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी है। तो एक तो आपकी हैसियत का इंटेंशन रहता है उसके पीछे कि आपकी हैसियत क्या है, तो इसलिए तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई जाती है। एक रिपोर्ट एसपी ऑफिस से आ गई, एक तहसीलदार से आ गई रिपोर्ट, अब तीसरी आएगी वन विभाग से कि भाई ये बंदा कहीं शिकारी तो नहीं है, वन विभाग ने कोई कभी कोई कार्यवाही करी हो इस व्यक्ति के ऊपर, सलीम के ऊपर, तो वहाँ से भी एक रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो ये तीन चीज़ें मंगाई जाती हैं बेसिक। इसके बाद एक कॉल आता है आपको कि भाई आप इस दिनांक को आ जाओ यहाँ पर, दो चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जो आपने मेंशन किया है रीज़न कि भाई मेरे को तो इस वजह से चाहिए, वही वहाँ पर कोर्ट के अंदर भी यही पूछेंगे आपसे। मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको कलेक्टर साहब से मिल रहा है तो वो, एसपी से मिल रहा है तो वो पूछेंगे, एसडीएम से मिल रहा है तो वो पूछ सकते हैं कि साहब आपको गन तो चाहिए, कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, क्या क्या। तो वो चीज़ें आपने जो फॉर्म में फिल की हैं वही अपन को बतानी है। ठीक, यहाँ तक तो हो गई प्रोसेस। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कारणवश वो रिजेक्ट कर देते हैं आपके फॉर्म को कि भाई आपको एलिजिबल नहीं माना, कारण तो लिखना पड़ेगा उनको जब रिजेक्ट करते हैं, तो उसकी नकल निकलवा लें। अब चलेंगे अपन हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में उसकी अपील करके वहाँ से आपको लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि जेन्युइन रीज़न होना चाहिए आपको कैंसिल करने का। अगर आप इनमें से जो मैंने कंडीशंस बताई हैं उसमें कहीं भी आप डिफ़ॉल्ट नहीं हैं तो 100% आपको मिल जाएगा। जो मैंने फॉर्म में रिक्वायरमेंट बताई हैं उनमें अगर आपने कहीं भी, आप पे कोई केस नहीं है किसी भी प्रकार का, आपने कोई कृत्य नहीं किया पूर्व के अंदर भी, आपके पास हैसियत है, आपकी ज़मीन है और आपको, आप खेत मतलब ज़मीन है तो ज़ाहिर सी बात है खेत पे भी जाता ही हूँ, चाहे जाऊँ जाऊँ वो बात की बात है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 100% अपन को लाइसेंस मिल जाएगा, और अपन को अगर एसडीएम एसपी और डीएम मजिस्ट्रेट जो भी है खारिज भी करता है अपना आवेदन, तो अपन उसकी अपील करेंगे हाईकोर्ट के अंदर और वहाँ से अपन ऑर्डर लेकर के आएंगे। ऑर्डर लाने के बाद अपन को लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद क्या होता है, आपको फिर गन परचेस करनी पड़ती है। अब उसमें क्या है, लाइसेंस में नंबर मेंशन होते हैं, उस नंबर को फिर उन गन के ऊपर मेंशन कर दिया जाता है। जब भी कोई भी आप गन लेंगे, चाहे आप हैंड गन लें, शॉर्ट गन लें या राइफल लें, उसके ऊपर वो पर्टिकुलर नंबर फिक्स कर दिए जाएंगे जो उस लाइसेंस पे मेंशन है। आपके लाइसेंस पे पर्टिकुलर नंबर मिलते हैं हर लाइसेंस के अंदर, उसमें आपका प्लेस भी डिसाइडेड होगा कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर ही आप उसको ले जाकर जा सकते हैं। अब ये 3 साल के लिए वो होता है, वैलिड होता है आपका लाइसेंस। अगर आपको ये लाइसेंस को मतलब आगे कंटिन्यू करना है तो रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आप रिन्यू नहीं कराते, एक्चुअल में क्या होता है, विज्ञप्ति निकाली जाती है कई बार कि भाई जिन व्यक्ति के 3 साल से पूर्व के जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास बंदूक है, उनको रिन्यू कराना है 3 साल के अंदर। तो अपन को रिन्यू कराने के लिए सेम प्रोसेस के लिए जाना नहीं है, पूरी लंबी प्रोसेस नहीं है अपन को, सिर्फ अपन को एप्लीकेशन अपना लाइसेंस लेकर के जाना है संबंधित जो भी अपनी शाखा लगती है आपकी, जो भी डिपार्टमेंट है, एसपी हो, डीएसपी हो या एसडीएम हो, जो मैंने आपको बताया, जहां भी आवेदन आपने किया था वहीं पर जाकर के एक फॉर्म भरवाएंगे आपसे, उसके बाद उसको रिन्यू कर देंगे इसी प्रोसेस के माध्यम से जो मैंने आपको बताई है। अगर आप नहीं जाते हैं विज्ञप्ति निकलवाने के बाद, तो लाइसेंस को रद्द करने का पावर, राइट और अधिकार है उस जारीकर्ता को जिसने जारी किया था आपको लाइसेंस। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कैसे मिलेगा आपको बंदूक का लाइसेंस। बहुत बड़ा वीडियो को बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचा देना, अवेयर करें हम सभी को कि कैसे मिलेगा हमें बंदूक का लाइसेंस। नया व्यूअर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।